नमस्कार मित्रों, मैं भावेश पनपालिया आपका इस लुशोग्रुट श्रृंखला में आज फिर से स्वागत करता हूँ। तो लुशोग्रुट श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग लुशोग्रुट कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखेंगे, कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। ये काफ़ी सिंपल है, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लेनी होगी, जिसमें आपकी डेट, मंथ और पूरा ईयर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हो कि 1912 1986, तो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपके साइड में मैंने ओरिजिनल लुशोग्रुट भी रखा हूँ, तो जिस अंक का जहाँ पे प्लेसमेंट है आपको वहाँ देना होगा। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। वन, हम लोगों ने वन के जगह लिखा, फिर नाइन, नाइन के जगह लिखा, फिर अगेन वन, वन के जगह लिखा, फिर टू, टू के जगह लिखा, फिर अगेन वन, वन के जगह लिखा, फिर नाइन, नाइन के जगह लिखा, एट, एट के जगह लिखा और सिक्स, सिक्स के जगह लिखा। तो इस ढंग से हम लुशोग्रुट तैयार कर लेते हैं। तो इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, जो अंक रिपीट हो रहा है आपको वहाँ पे ही लिखते जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि वो अंक कितने बार यहाँ आ रहा है, जितने बार भी जिस जगह में आ रहा है वह उतने बार लिखना है। जैसे आप देख रहे हो कि एक अंक ये तीन बार आया, तो हमने तीन बार लिखा, एक, एक और एक। जैसे नाइन और नाइन टू टाइम्स आया, तो हमने दो बार लिख दिया उसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी लुशोग्रुट बना सकते हो। हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर के तरफ। जैसे आप एग्जांपल नंबर दो में देख पा रहे हो कि हमने डेट ऑफ बर्थ लिया है 09082004, करेक्ट। तो ये मैंने इसके लिए लिया है कि आपको ज़ीरो के बारे में बताऊं। लुशोग्रुट में एक से नाइन अंकों को ही महत्व दिया गया है, तो हम लोग ज़ीरो जो है उसे हमेशा इग्नोर करेंगे। तो सेम उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर का एग्जांपल देखा था, उसी तरह ज़ीरो को छोड़ के हम लोग बाकी सब अंक को प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे नाइन, नाइन के जगह, एट, एट के जगह, टू, टू के जगह और फोर, फोर के जगह। तो आप ऊपर और नीचे में आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे अंक मिसिंग हैं, तो ये मिसिंग अंक का भी एक हम लोग सेपरेट चैप्टर लेने वाले हैं। मिसिंग अंक यानी क्या, जब अंक आपके ग्रिड में ना हो तो क्या होता है, तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो आज हमने लुशोग्रुट कैसे बनाते हैं ये सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इसकी प्रैक्टिस घर पे करोगे। मैं भावेश पनपालिया आज यहीं पे विराम देता हूँ और आपका दिन शुभ जाए इसकी मंगलमय प्रार्थना करता हूँ।